वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ, वो भी एकदम डार्क लिपस्टिक लगाकर, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। और मेरा आंखों को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मेरा आंखों मेरा सूज गया है और मेरा पैर भी, क्या बताऊं, पैर का कुछ भी आपको बताया नहीं। दो दिन पहले एक्सरसाइज करने के वक्त ना मेरा पैर स्लिप हुआ और मुरझा गया, उसके बाद सिलबट्टी के ऊपर गिर गई, उसके बाद ना मेरा पैर बहुत सूज गया था, इसीलिए दो दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था और बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी सुमित ब्रेकफास्ट कर रहे एक्सरसाइज करने के बाद, मेरा एक्सरसाइज हो गया है, अभी ग्रीन टी पीऊंगी मैं ना, एकदम देखे ना ना, तो मैं अभी ग्रीन टी पीऊंगी और मम्मी ग्रीन टी निकाल रही है। और ये देखो बेड के ऊपर चद्दर वगैरह ये सब मैंने फोल्ड नहीं किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद सब काम करूंगी। और आज तो बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है क्या बताऊं। और मेरा पैर का हालत आपको दिखाती हूँ, खराब मत समझना बाबू, जो सौर ना बुझते अच्छी ना चीपे गए चेजी के, तुम तो जाएगा ही नहीं, बहुत सारा होंगे। ये देखो ग्रीन टी वाला टी बैग। तो चलो मैं आपको मेरा पैर का हालत दिखाती हूँ कैसा हो गया है। ये देखिए फिर, पहले तो मेरा पैर पूरा सूजा हुआ था, पूरा फूल गया था उंगली उंगली, और अभी तो ठीक है, हल्दी और चून लगाया था, इसके वजह चून की वजह से मेरा स्किन पूरा जल गया है, लेकिन उस दिन इतना दर्द हो रहा था तो चून से मुझे बहुत राहत मिला। उसके बाद दवाई भी मैंने खाया, डॉक्टर ने दिखाया, ऐसे दुकान से मेडिसिन के दुकान से बोल के लेके आए थे मेडिसिन, वो खाए थे। उसके बाद दो दिन के बाद आपसे शूट कर रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन दो दिन पहले मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, रेस्ट ही ले रही थी। और अभी तो मेरा पैर ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने एक्सरसाइज किया है, ज्यादा छलंग वलंग नहीं लगाया है। और देखो सुमित ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं अंडा फ्राई, ऑमलेट, दो रोटी, मेरा अभी ग्रीन टी। और इन दिनों इतना गर्मी है ना क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है ना पानी में डूबे ही रहूं ऐसा लग रहा है। चलो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा पापा का सब्जी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, कितना अच्छे से ग्रो किया है, बहुत सारे वेजिटेबल आया है, बैंगन आया है, बहुत कैप्सिकम आया है, मिर्चा आया है, बहुत सारे वेजिटेबल आए हैं, टमाटर का बरसात हो रहा है घर में, इतना टमाटर क्या बताऊं। देखो वो देखो उधर भी लाइन लगा कर रखा हुआ है, अभी बहुत सारे टमाटर है जो तोड़ा है मम्मी ने सुबह सुबह उठकर। चलो मैं ये पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, तो इसका कोई आठ को बैगन, दो उसमें से सर गया है, आठ में से दो माइनस कर दो। और देखो ग्रीन चिली कितना अच्छे से रेड हो गया, एकदम रेड, बहुत सुंदर। और ये देखो ग्रीन, और ये देखो रेड, और इसमें भी ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मिर्चा बहुत आया, मैं गिन नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत मिर्च आए हैं, जैसे कि ये देखो ये वाला, बहुत सारे मिर्च आए हैं, मिर्च मैं गिन के नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। लेकिन बैगन ये दोनों सड़ गया है, निकाल देती हूँ।
गिर भी गया, ये देखो सर गया, ये देखो इसमें कीड़ा लग गया, ये देखो कैप्सिकम इसमें भी कीड़ा लग गया, इसमें भी कीड़ा लग गया कैप्सिकम। इतने से भी कितने अच्छे से गार्डन मेरे पापा ने बनाया। देखो कितना सारा टमाटर यहाँ पर जमा हो गया है। नहा के आ गई हूँ, कपड़े वगैरह वॉश भी हो चुका है और आप मेरे फेस पर लिपस्टिक और आईलाइनर देख सकते हैं। ये ना छूट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने अच्छे से स्क्रबिंग किया, फेस वॉश किया, उसके बाद में क्लींजर मिल्क भी लगाया मेकअप को रिमूव करने के लिए, लेकिन देखिए आधा सा लाइनर और लिपस्टिक मेरे लिप पे बैठे हुए हैं, रिमूव नहीं हुआ है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है और ये मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ हेयर वॉश करने के लिए, ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये मैंने डॉक्टर से पूछ के लिया है। और कंडीशनर जो आज आया है ये मैंने यूज़ किया है, कंडीशनर जो वाओ ऑर्डर किया था आया कुछ और, क्या बताऊँ। बस अभी 12 बज गए हैं, पानी भरने के लिए दे दिया था, ये देखो पानी भर गया है। बाल्टी बैठा देते हैं क्योंकि मम्मी भी ना आएंगे ना, तो इसलिए तो पानी ये देखो भर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर शावर भी लगा हुआ है, बाथरूम के अंदर भी शावर है, बाहर भी शावर है, लेकिन बाहर का शावर मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि ये जो दरवाजा है ना, इस दरवाजे से पूरा इस तरफ दिखता है, ये देखो ये और ये सामने, तो इसीलिए इस तरफ नहीं नहाती नहीं हूँ। दे अंदर जाती हूँ और पीकू बनी सो रहे हैं शायद। हाँ नहीं, वो देखो देखो मुड़ा कैसे गिरा के गई है, दोनों बहुत बदमाश है। जब मैं उठाने आई मुड़मुड़ा को, देखो दोनों आ गया भाग के खाने के लिए। ये पीकू है वो बनी है। मैं कैसे समझती हूँ पता है, मैं एक दिन इधर ना बिंदी लगाया था और बिंदी का जो ग्लू है यानी कि आटा बोलते हैं बंगाली में, वो इधर ब्लैक स्पॉट रह गया, तो इसीलिए मुझे समझ में आता है। और पीकू छोटा है, बनी थोड़ा सा बड़ा है। देखो कितना प्यारा लगता है ना इन दोनों को खाते हुए देख कर, बहुत प्यारा बच्चा है। जब तक मेरा हेयर नहीं सूखता है मैं कॉम नहीं कर पाऊंगी, और बस अभी बैठी रहूंगी, फैन को खोलूंगी, फैन खोल के बैठी रहूंगी और वीडियो एडिट करूंगी। और इधर कुछ कपड़े हैं जो पैकिंग कर रही थी, बहुत जल्दी बहुत कुछ आपको पता चलेगा, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाले हैं मेरे साथ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ अपडेट होने वाला है। और ये जो ब्लैक स्पॉट है ना कैमरे की वजह से, ये देखो ठीक है, और मैं कुछ भी अभी तक लगाया नहीं, लगाऊंगी। स्किन कितना अच्छा हो गया है, वो जो छोटा छोटा ये आया था वो भी ठीक हो, इधर एक हो रहा है। फ्रेंड तो लंच का थाली आज है मसूर दाल, नीम पाता फ्राई, नींबू, राइस, पाट शाक फ्राई, गाजर, खीरा, ऑनियन और ये जो रॉ जैक फ्रूट है वो उसका सब्जी। चलिए फ्रेंड मैं लंच करके आपसे मिलती हूँ, सो कर एकदम रेस्ट लेकर इवनिंग के टाइम। पार्सल आ गया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है पीकू बनी? पैकेजिंग एकदम अच्छा नहीं है, जब भी पैकेजिंग खराब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। कांची नहीं आ सकता, कांची टा
ये है पीकू। पीकू को लगा इसमें इसके अंदर कुछ खाना है, तो भाग के आया। और बनी देखो उधर सो रहे हैं। तेरी मुसम सर पी सीवली बेना वनत वर पी दावना गो कैची आता सुई। ये देखो ना पार्सलटा पैकेजिंग एकदम भालो ना, एकान दिए सब ही देखा जाच्छे। आओ कैमरा टा धरो। ए डाय ना ओटा उठे छोड़ देखाच्छे। ये कैसा पैकेजिंग है देखो, पैकेजिंग एकदम घटिया है। लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट देखते हैं। मैंने ऑनलाइन से मंगाया था ये, सील किया हुआ है। लेकिन वावर मंगाओ नी बाबू। वाओ फ्रेंड, लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे देखा। मैंने ऑनलाइन से शॉपिंग किया, वो भी मेसो से। मैंने वाओ वाला प्रोडक्ट मैंने मनाया था, कॉम्बो शैम्पू कंडीशनर और ऑयल। लेकिन वाओ वाला तो नहीं आया, लेकिन इसके बदले दूसरा कुछ आया है। और ये आया है किससे पता है? देखो मैंने मेसो से ऑर्डर किया था और आया फ्लिपकार्ट से। वो भी पैकेजिंग ठीक नहीं है। मैं जब भी देखा पैकेजिंग ठीक नहीं है, मेरा तो शक हो गया, क्योंकि आधा शैम्पू पैकेट के अंदर ही गिर गया। तो मैंने सोचा इसको रिटर्न करूंगी, लेकिन सुमित बोल रहा है नहीं, रिटर्न नहीं करना होगा, छोड़ दो, और फिर रिटर्न होगा, ये होगा, टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैंने रिटर्न नहीं किया, लेकिन आधा शैम्पू इसके अंदर ही गिर गया है। पैकेजिंग जब भी खराब आता है मुझे शक होने लगता है इसका ये नहीं है। लेकिन मैंने वाओ देखकर ऑर्डर किया था, लेकिन आया देखो क्या, मेसो से ऑर्डर किया, आया फ्लिपकार्ट से। क्या बोलूं, क्या करेंगे इसको, फिर वापस करेंगे। उससे पहले बहुत प्रोसेसिंग है, तो सुमित ने बोला छोड़ दो, यूज कर लेते हैं। ये बेसिकली मम्मी के लिए मैंने ऑर्डर किया था, तो इसीलिए। और ये देखो पीकू बनी, और मेरा पैर देखो अभी सूजन कम हो गया है, दर्द भी कम है। एक्सरसाइज मैं करके बैठी हूँ, थोड़ा बहुत किया एक्सरसाइज, क्योंकि ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और ये चून लगाया था ना, इसके कारण मेरा स्किन पूरा जल गया है। और हल्दी लगाया, लेकिन अभी तक गर्म पानी का सेक लगा रही हूँ मैं, फॉलिनी भी। तो अभी एक्सरसाइज करके बैठी हूँ, अभी ग्रीन टी पीना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। तो चलो मिलती हूँ ये सब काम निपटाने के बाद। অত্যন্ত অল্প দামে এই প্রচার গাড়িতে আজ আপনি পাবেন আপনার সংসারের নানান প্রয়োজনীয় জিনিস। আর এই প্রচার গাড়িতে আজ পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সাইজের স্টিলের থালা। এখানে পাবেন বিভিন্ন রকমের স্টিলের বাটি, যা পাবেন অতি অল্প দামে। শুধু তাই নয় ফ্রেন্ড, নাহা তো হো গিয়া, নানা হো গিয়া, সব কিছু হো গিয়া হ্যাঁ। कुछ सामान आया था देखने गई थी, सुमित भी आ गया है घर में, और टाइम बहुत हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। आई रियली होप आज का ब्लॉग आप सबने इंजॉय किया। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक वाले बटन है ना, वो हर एक माले सेल सेल सेल, तो थोड़ा सा लाइक बटन को भी क्लिक जरूर कर देना, ठीक है। ये लाइक देखकर मैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते हैं, तो थोड़ा सा ताकत मिलता है कि और नया नया अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाए इसीलिए। और फ्रेंड बहुत जल्दी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और बहुत कुछ होने वाला है जो मैं प्लान कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। तो कुछ आपके साथ शेयर करना है, तो आपको अगर जानना है, थोड़ा सा अपडेट पाना है मेरे लाइफ के बारे में, तो चलो चैनल को जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। बेल आइकन को दबाने के बाद ना ऑल वाला जो बटन है उसको जरूर दबाना, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्दी से पहुंच जाए। सबसे पहले आपके पास जो बेल दबाते हैं ना, उनके पास ही सबसे पहले मेरा ब्लॉग पहुंचते हैं।
तो जरूर ऑल वाला बटन को दबाना। और इसके साथ मैं बता दूं फ्रेंड, ये भी याद रखना, मेरा सभी ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी, फेसबुक का पेज सब कुछ डाला रहता है, आप चाहो तो उधर से आप चेक कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब से पहले मेरा इंस्टा पे ज्यादातर मैं क्या बोलते एक्टिव रहती हूँ, इंस्टा में ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, फेसबुक पेज पे एक्टिव रहती हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा लेट पहुंचता है जो ब्लॉग, लेकिन इंस्टा में मेरा पहुंच जाता है। और मेरे लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाले हैं आप सब बहुत जल्दी इंस्टाग्राम में सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसके बाद जाकर मेरा यूट्यूब पर आते हैं ब्लॉग। क्योंकि ब्लॉग शूट करने के बाद एडिटिंग करना पड़ता है, एडिटिंग के बाद अपलोडिंग करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग रहता है, जिसके लिए ना यूट्यूब पर थोड़ा लेट आते हैं मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा सा अपडेट, लेकिन इंस्टा पे जल्दी आ जाता है क्योंकि शॉर्ट वर्ड बनाती हूँ ना इसीलिए। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।